नमस्कार, हमार नाम है किसलय गौरव। आएगो हम वीडियो बना ले रही जेकरा में हम भोजपुरी इंडस्ट्री के कच्चा चिट्ठा हमने खोला था। बताया गया था कि कैसे भारत की सबसे अनप्रोफेशनल इंडस्ट्री है भोजपुरी। बगैर एक्टिंग की पढ़ाई किए लोग यहाँ हीरो बनते हैं। हीरोइंस का फिल्म में केवल डांस और एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वो हीरो से भी ज़्यादा टैलेंटेड होती है। मैंने कोशिश की थी सच्चाई बताने की, कई लोगों को ये बात जमी, तो वहीं कई लोग ऐसे भी मिले जो कला नहीं किसी एक्टर को प्रमोट करते नजर आए। पूरा वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे। उस वीडियो पर अभिलाष ने कमेंट करके लिखा है कि आप अक्षरा सिंह को भूल गए, वो अच्छी एक्टिंग करती हैं, वो अच्छी एक्ट्रेस हैं और भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए अच्छा काम कर रही हैं। अभिलाष, बिल्कुल आपने सही कहा, अक्षरा अच्छा गाती हैं और अभिनय भी ठीक ठाक कर लेती हैं। अक्षरा पिछले कुछ सालों से अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आप देखिए शुरुआती दिनों में उन्हें कैसे परेशान किया गया। फिल्मों में केवल एक्सपोज करने वाले रोल उनको दिए गए। पवन सिंह और उनके बीच क्या हुआ वो खुद कई बार इंटरव्यू में बोल चुकी हैं कि कैसे उन्हें धमकी मिली, उनके ऊपर गालियों वाले गाने निकाले गए। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी अनप्रोफेशनल है, जहाँ तुरंत एक दो फिल्म क्या बनाए अफेयर हो जाता है, फिर अफेयर जैसे टूटता है लोग एक दूसरे को गाली देने लग जाते हैं। मैंने वीडियो में बताया था कि भोजपुरी में अच्छी फिल्में नहीं बनती। इस पर खेसारी लाल यादव के फैंस ने खूब कमेंट किया। एक ने लिखा कि भाई खेसारी बगैर एक्टिंग के ट्रेंडिंग स्टार है, एक्टिंग करेंगे तो क्या होगा। एक भाई साहब ने लिखा है कि रिपोर्टर साहब एक बार फरिश्ता मूवी देख लीजिए। ऐसे कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि ये फिल्म देखिए, फरिश्ता मूवी देखिए। मैंने आपकी सलाह मानी और अपने साथ एक फिल्म की अच्छी जानकारी रखने वाली फिल्म विशेषज्ञ को बैठाया और उनको भी पूरी फिल्म दिखाई। सही मायने में बताऊं तो अभी भी भोजपुरी को काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। इस फिल्म के ट्रेलर में कई गलतियां नजर आईं, डंडा मारने का स्टाइल, कलाकारों को जो लुक दिया गया है वो नकली लगता है। आप बाहर की फिल्मों में देखिए जवान को बूढ़ा बना देते हैं और वो रियल भी लगता है यहाँ, लेकिन भोजपुरी में इस फिल्म में साफ पता चला कि नकली दाढ़ी है। इसके अलावा खेसारी ने कई बॉलीवुड सीन्स का इस फिल्म में नकल किया है। एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार चाहिए। अगर उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई की होती, कहीं थिएटर से बाहर निकले होते तो शायद अलग ही मजा आता, लेकिन भोजपुरी की दिक्कत यही है कि यहाँ एक्टर नहीं गायक फिल्में बनाते हैं। अगर एक्टिंग का ये नहीं पता, अगर आप गाना गाना है तो आप हीरो बन जाइएगा भोजपुरी। एक भाई ने लिखा है कि खेसारी ग्लोबल स्टार है। भाई साहब प्रणाम है आपको। ग्लोबल स्टार का मतलब ये नहीं कि आपके एक आध गाने ट्रेंडिंग में चले जाए। आपने कितनी ऐसी फिल्में बनाई है जिसने भारत के बाहर भी धूम मचाई है? आपकी कितनी फिल्में ऑस्कर लायक हैं? क्या आपने कभी हॉलीवुड या दूसरी इंडस्ट्री में काम किया है? ये चीज़ें जो है आपको ग्लोबल स्टार बनाती हैं, जैसे कि इरफान खान थे, जितनी बढ़िया एक्टिंग वो बॉलीवुड में करते थे हॉलीवुड में भी उनका जलवा था। खैर, मंजीत कुमार लिखते हैं कि ये वीडियो खेसारी और पवन सिंह को देखनी चाहिए। बिल्कुल देखनी चाहिए, इसे लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। एक भाई लिख रहे हैं कि पवन सिंह जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। देखिए वो गाना अच्छा गाते हैं, लेकिन उतनी ही खराब एक्टिंग करते हैं वो। इसके अलावा वो जिस तरीके से कई बार स्टेज से गाली गलौज करते हैं, फेसबुक पर लाइव आकर अपने साथी को गाली देते हैं, ये एकदम गलत है। आप किसी के फैन बनिए, लेकिन उनकी गलतियों को नज़रअंदाज मत कीजिए। और पवन सिंह को कुछ बातें समझनी होगी, क्योंकि उसके चक्कर में पूरी भोजपुरी जो है बदनाम हो रही है ना। तो आप भी ध्यान रखिए, किसी के फैन बनिए, आँख बंद करके विश्वास मत कीजिए, क्योंकि नुकसान जो है इससे भोजपुरी का होगा। भास्कर आशीष लिखते हैं कि भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रश्न जनता के सामने रखना जरूरी है, ताकि जनता जागरूक हो। जागरूकता में ही विस्तार और सुधार समाहित है। जय हो। शुक्रिया भास्कर जी, ऐसे मुद्दे एबीपी लाइव हमेशा उठाता रहेगा और हमेशा हम आपकी आवाज बनते रहेंगे। अनुनय सिंह ने लिखा है कि ये टॉपिक अच्छा उठाया है आपने, भोजपुरी इंडस्ट्री की खिंचाई होनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जो भोजपुरी मैं बोलता भी हूँ, और हमारा बड़ा दुख होला जब भोजपुरी के बारे में हमारे दोस्त या आसपास के लोग गलत बोलेला। यही से जरूरी बा कि अपन भोजपुरी के सुधार कई जाओ। एक भाई ने लिखा है कितना सत्य मत बोलिए, मनीष कश्यप जैसा हाल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आजकल सत्य बोलने की भी सजा लोगों को दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे एक भाई ने लिखा है कि सबसे बड़ा दोषी जो है वो जनता है, क्योंकि भोजपुरी जगत में अच्छे से अच्छी चीज़ें बनी हैं और अभी भी बनती हैं, पर अच्छी चीज़ें सुनेंगे क्यों, जब खुद भोजपुरी जनता को 100% में से 70% जनता को बुरी चीज़ें पसंद हैं। जब भी अच्छी चीज़ें आती हैं तो अच्छी चीज़ों पर बुरी चीज़ें हावी हो जाती हैं, भारी पड़ जाती हैं। अच्छी चीज़ों को बढ़ाने के बजाय उन्हें दबा दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भोजपुरी में
कई ऐसी फिल्में हैं जो अच्छी हैं। आप देखिए भिखारी ठाकुर का गाना आजकल कौन सुनता है, गायत्री ठाकुर का गाना आजकल कौन सुनता है, भरत शर्मा का गाना कौन सुनता है, जितने भी अश्लील गाने आते हैं लोग उसको सुनते हैं। तो भाई कुल मिलाकर 700 से ज़्यादा कमेंट लोगों ने किए इस वीडियो पर। सभी कमेंट्स मैं पढ़ नहीं सकता, बता नहीं सकता यहाँ पर। ज़्यादा लोगों ने इस मुद्दे की तारीफ की है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी हैं। और ऐसे भी लोग मिले हैं जो भोजपुरी नहीं बल्कि खेसारी और पवन और निरहुआ जैसे दूसरे कलाकारों के फैन हैं। इनके अनुसार वो जो भी कर रहे हैं वो सही है, चाहे उससे भोजपुरी को नुकसान ही क्यों ना। पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार जैसे नाम दीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि भिखारी ठाकुर की भोजपुरी आज कहाँ आ गई, भोजपुरी में कितनी बायोपिक बनी है। क्या आपको नहीं लगता कि भोजपुरी में भिखारी ठाकुर की जीवनी पर फिल्म बनानी चाहिए, शारदा सिन्हा की जीवनी पर फिल्म बना दीजिए। कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए। और भी कई मुद्दे हैं भोजपुरी में जिस पर अच्छी फिल्में बन सकती हैं, लेकिन वही घिसी पिटी फिल्में, वही पुराना प्लॉट लोगों को दिखाया जाता है और लोग उसको देखते हैं। और फिर आप देख ही रहे भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या हाल है। आप बाहर निकलिए तो लोग भोजपुरी को गाली देते हैं। भोजपुरी का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में जहाँ पहला जो शब्द आना चाहिए वो छठ के गीत, भिखारी ठाकुर गीत होने चाहिए, लेकिन अश्लीलता एक पहचान बन गई है भोजपुरी की। तो हमें इसको सही करना होगा, ठीक करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि भोजपुरी में जो चीज़ें सही बनती है, साफ़ सुथरी चीज़ें बनती है, जो चीज़ जो काम अच्छा होता है उसकी तारीफ की जाए, और ऐसे जो अनप्रोफेशनल काम है इसको हम बायकॉट करें, है ना। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय में बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।